हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं कल की तरह सेट एंड लॉजिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो कि पिछले साल सीपीओ के 2023 वाले पेपर में दिए गए थे। पिछले वाले क्लास में हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस देखे थे और आज वाली क्लास में भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। तो सेट एंड लॉजिक के किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और हम उसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम यही लर्न कर रहे हैं अपनी इस सेट एंड लॉजिक की सीरीज में। पिछले क्लासेस की भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आपके आंखों के सामने क्वेश्चन आए तो पहले खुद से सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर वीडियो को ऑन करके आप पैटर्न भी देख सकते हैं कि आपके आंसर और हमारे आंसर में कितना मेल खाता है और कितना अलग है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, सेट एंड लॉजिक की जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम किसी भी डबल डिजिट क्वेश्चन जो गिवन टर्म में दिया होता है, डबल डिजिट नंबर्स, उसको सेपरेट नहीं करते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे 13 दिया है, तो हम 13 को एज इट इज 13 एज अ सिंगल नंबर लेकर चलेंगे, ना कि 1 और 3 सेपरेट करके। उसको ऐसा कुछ नहीं कर सकते, दिस इज द रूल। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो इसमें क्या दिया हुआ है देखिए दोस्तों। सो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर जो ये 13 है, ये किसी तरह से कनेक्टेड है 14 से और ये 54 से, मतलब इन तीनों नंबर का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो चलिए देखते हैं क्या कनेक्शन है। तो पहले है 13, फिर है 14 और फिर है 54। तो 13 को अगर हम 2 टाइम्स करते हैं, तो 13 का 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होता है 26। सो 13 का 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होता है 26। इसी तरह से 14 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होता है 14 2 ज़ा 28। और अब इस दोनों टर्म को अगर हम ऐड कर दें, तो यहाँ पर आता है 6 प्लस 8 हो जाएगा 14, 4 1 कैरी, और 2 प्लस 2 4 होता है, और 1 कैरी 54। इसका मतलब यहाँ पर 54 आ गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ए प्लस बी का 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू सी। तो ये 13 हमारा ए है और 14 हमारा बी टर्म है और 54 हमारा सी टर्म है। तो इस लेट अस अज्यूम लाइक दैट। तो यहाँ पर क्या हुआ, 13 का 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन और 14 का 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, और फिर जो दोनों के नंबर आए उसको ऐड कर दिया गया है, और वही जो ऐड होने के बाद जो वैल्यू बन रही है वो सी टर्म है। तो चलिए सेकेंड वाले सेट में इसको देखते हैं। तो ये है 15, 18 और 66। अब हमें इस पे फॉर्मूला पुट करना है। तो 2a, मतलब फर्स्ट ए को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 30। फिर 18 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 2 ज़ा होता है 36। इन दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस बी को ऐड किया तो इक्वल्स टू में 66 होना चाहिए। क्या ये 66 है? तो हाँ, ये 6 वन्स डिजिट को ऐड किया तो ये 6 आ गया, और ये 10th डिजिट को आया तो 3 प्लस 3 ये 6 हो गया। सो मतलब ये जो फॉर्मूला हमें मिला है, 2 into a + b इक्वल्स टू सी, ये फॉर्मूला सेट है दोनों टर्म्स पे, दोनों गिवन टर्म्स पे। अब हम ऑप्शन में इसी फॉर्मूला को पुट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहा है, 11 का हम करेंगे डबल, तो 11 2 ज़ा हो गया 22, प्लस 13 का 2 टाइम्स यानी कि 13 2 ज़ा 26 इक्वल्स टू 52 होना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हो रहा है 48, तो रॉन्ग हो गया। सेकेंड ऑप्शन को देखेंगे, सेकेंड ऑप्शन में है 15 17 66, मतलब 15 का 2 टाइम्स हो गया 30, प्लस 17 का 2 टाइम्स हो गया 34, और तो ये आया 30 30 64, और यहाँ पर दिया है 66, तो ये हो गया सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे, थर्ड ऑप्शन। तो ये क्या बोल रहा है, 13 है यहाँ पर, 13 का डबल 26 प्लस
19 है यहाँ पर, तो 19 का डबल 38 इक्वल्स टू 64 होना चाहिए। तो 8 और 6 को प्लस किया 14 होता है, 1 कैरी 4, 3 और 2 को प्लस किया 5 और 1 जो कैरी था 6। तो यहाँ पे हमें हमारा सी नंबर सेम टू सेम मिल गया है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3, 13, 19 एंड 64 का सेट। इस तरह से हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, तो यहाँ पर है 329 का रिलेशनशिप 145 और 184 के साथ। तो अब आप अगर इस नंबर को अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों का एक दूसरे के साथ एडिशन हो रहा है और जो दोनों को प्लस करने से वैल्यू मिल रही है वो है ये वाली 549। इन दोनों का एडिशन हो गया 9, 4 और 8 का एडिशन 12 होता है, 2 बचा 1 कैरी और 1 + 1 हो गया 2 और जो कैरी था वो यहाँ पर ऐड हो के 3। तो यहाँ पर हमें क्या फॉर्मूला मिला, यहाँ पे मिल रहा है कि जो हमारा ए टर्म है वो इक्वल्स टू है बी प्लस सी का। तो 145 + 184 करने से ए मिल गया 329। चलिए इस फॉर्मूला को पुट करते हैं सेकेंड वाले सेट पर। तो सेकेंड वाला सेट में क्या बोल रहा है, तो वो है 221 + 346। इसका आंसर क्या आना चाहिए, 567। तो 6 + 1 होता है 7 करेक्ट, 4 + 2 होता है 6 करेक्ट, 3 + 2 होता है 5। तो ये एकदम सेट हो गया, ये जो फॉर्मूला हमारा निकल के आया था फर्स्ट वाले सेट को, तो ये करेक्ट है। अब हम करेंगे इस फॉर्मूला को ऑप्शन में पुट टू फाइंड आउट कि ऑप्शन में से कौन सा ऐसा सेट है जो इस फॉर्मूला को फॉलो करता है। तो यहाँ पे हम करेंगे 5 और 2 का एडिशन, तो ये आएगा 7, पर यहाँ पर 8 दिया हुआ है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं होएगा। सेकेंड ऑप्शन पे जाएंगे तो 4 और 2 को प्लस किया तो यहाँ 6 आया करेक्ट, पर नेक्स्ट में 2 और 0 है तो यहाँ पर 2 डायरेक्ट आ जाएगा, तो ये बन रहा है वंस और टेंस का डिजिट, 3 नंबर्स का है ना डिजिट, तो ये 506 है लेकिन हमारे पास आया है ये 26, बीच में 2 है, तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन की तरफ चलेंगे, तो इसको इन दोनों को ऐड करेंगे, 225 को ऐड किया 451 के साथ, तो ये बना 516, 527, 426। तो ये इस तरह से 676 आ गया और यहाँ पर भी 676 ही दिया हुआ है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3 वाला जो गिवन सेट है वो। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे है 5, 4 और 405। अब क्योंकि यहाँ पे 405 है तो लेट्स सी दैट 405 इस 4 से तो कटेगा नहीं, तो चलिए कोशिश करते हैं कुछ फाइंड आउट करने की। तो हम इसको करेंगे 5 से डिविजिबल, तो ये आएगा 5 8's 40, 5 का 8 टाइम 40 और 5 1's 5। इसका मतलब अगर आप 81 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 405 आएगा जो कि है सी टर्म। तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा आइडिया मिल गया कि 405 कैसे आ रहा है, 81 का मल्टीप्लिकेशन 5 से, और 81 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 9 का। तो 9 का हमने स्क्वायर किया तो 81 आया, और अब ये 9 कैसे मिलेगा, तो ये जो फर्स्ट वाला टर्म और सेकेंड वाला टर्म है 5 को अगर 4 से प्लस करते हैं तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन गया, तो ये बन रहा है a + b और उसको होल स्क्वायर (5) = c। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला बन गया। अब इसी फॉर्मूला में हमें सारे क्वेश्चंस को पुट करना है, ठीक है।
और अब हमें फाइंड आउट करना है कि क्या ये फॉर्मूला सेट हो रहा है सेकेंड गिवन टर्म पर। तो सेकेंड गिवन टर्म है 7, 3 एंड 500। तो हमें क्या करना है, पहले 7 और 3 यानी कि ए प्लस बी को ऐड करना है फर्स्ट गिवन टर्म का। ये कारगर है सेकेंड वाले टर्म के साथ भी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू 5। 7 प्लस 3 10, 10 का होल स्क्वायर होता है 100 इंटू 5 इक्वल्स टू 500। अब हम करेंगे इसी फॉर्मूला को ऑप्शन पे पुट। सो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, पहले 5 प्लस 8, तो 5 प्लस 8 होता है 13। 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा कितना, 169। और 169 को हम करेंगे, 169 को हमें करना है 5 से मल्टीप्लिकेशन। सो 5 9 ज़ा 45, 5 एंड 4 कैरी, 5 6 ज़ा 30 प्लस 4, 34, 3 कैरी, 5 1 5 प्लस 3 8, 845 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 789 दिया है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड वाला क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 3 और 2, 3 प्लस 2 हो जाए, 3 प्लस 2 हो जाएगा 5। फिर हमें करना है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। और फिर 25 को हमें करना है 5 से मल्टीप्लिकेशन, तो 5 5 ज़ा हुआ 25, 5 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, तो ये होता है 125। यहाँ पे दिया है 145, तो ये हो गया रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 3 की तरफ चलेंगे, तो उसमें है 4 1 एंड 125, तो 4 और 1 को प्लस कर देंगे। 4 और 1 को प्लस करने से होता है 5। फिर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, और फिर 25 को हमें करना है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 25 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई 125। तो ये 125 है, और यहाँ पे भी जो सी का गिवन टर्म है वो 125 है, मतलब तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, ये है 9 का 1 का और 19 का रिलेशनशिप। तो अब 19 के आसपास में क्या होता है, 18, 18 में +1 करेंगे तो 19 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने किया अपने ए टर्म्स को मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर उसमें हमने कर दिया ये बी टर्म प्लस, और इक्वल्स टू में आ गया सी। तो ए का हो गया 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, और फिर प्लस बी और इक्वल्स टू में सी। तो यहाँ पर आया 9 इंटू 2, 9 2 ज़ा 18, और फिर हमारा हुआ 18 में +1 इक्वल्स टू 19। क्या ये दूसरे पे भी वैल्यू सेट हो रही है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले टर्म को हमने करना है 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, वो हो गया 10। अब 10 पे +1 करेंगे तो आएगा 11, पर क्योंकि यहाँ पे 11 नहीं हो सकता, हमें तो 14 चाहिए, तो 10 में हमें चाहिए 4, और 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर। 9 वन्स 19 है ना, तो यहाँ पे जो हमें फॉर्मूला मिला है वो है ए का 2a, मतलब 2 का a का मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स, प्लस जो मिडल टर्म है आपका b है उसका स्क्वायर इक्वल्स टू c। ठीक है, तो 2a+b² इक्वल्स टू c, ये है फॉर्मूला। अब इसको पुट करेंगे तो 2a मतलब 9 इंटू 2 प्लस बी यानी कि 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 19। 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 1 1 का स्क्वायर 1, तो हो गया 19। अभी इसी को हम सेट करेंगे दूसरे वाले सेट वैल्यूज के साथ, तो 5 को हम करेंगे 5 2 ज़ा 10 प्लस जो बी है हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे इक्वल्स टू हो जाएगा 14। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 10 प्लस 4 इक्वल्स टू 14, करेक्ट हो गया है ना। तो ये हो गया सेकेंड वाला जो गिवन टर्म था उसका भी फॉर्मूला बेस्ड सॉल्यूशन। अब हम जाएंगे अपने ऑप्शंस की तरफ,
तो हमें करना है फर्स्ट वाले टर्म को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी कि 2a, 3 2 जा हो गया 2 जा 6, और फिर 6 के साथ 5 का स्क्वायर, यानी कि 6 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो 25 प्लस 6 कितना होता है, 25 प्लस 6 होता है 31, और यहाँ पे दिया है 56, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया, सेकेंड ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 2 दिया है 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इक्वल्स टू 6 प्लस 4 होता है 10, और यहाँ पे भी दिया है 10। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आई होप आपको सब समझ में आ रहा है, करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा 5th क्वेश्चन है इस क्लास का, वो यहाँ पर आ गया है। तो ये क्या दिया हुआ है इसमें, ये है 21 का, 5 का और 120 का गिवन सेट। अभी ये दोनों तीनों एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं ये हमें पता करना है। तो ये है 21, 5 एंड 120। अगर आप यहाँ पे ए माइनस 1 और बी प्लस 1 करते हैं तो इक्वल्स टू में आपको आ जाएगा आपका 120, यानी कि सी का टर्म। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ए माइनस 1, यानी कि इसको अगर फॉर्मूला में पुट करें तो 20 का माइनस 1 हो गया यहाँ पे, और बी प्लस 1 यानी कि 5 प्लस 1 हो गया यहाँ पे, इक्वल्स टू सी यानी कि 120 आ रहा है। तो यहाँ पे था सी और ये है 120 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 20 माइनस 1 हो गया 19। उप्स, ये 20 नहीं है, 21 है। तो ये 21 माइनस 1 हो गया 20। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 1 6 के साथ, सो 6 टू जा 12 और 0, ये करेक्ट हो गया 120। सो द फॉर्मूला इज करेक्ट। और अब हम चलेंगे सेकेंड सेट के साथ उसको सेट करने। तो 278 इज द गिवन टर्म ए बी सी। तो हमें करना है 2 में माइनस 1, तो यहाँ आएगा 1 इंटू 7 में प्लस 1, तो ये हो गया 8 इक्वल्स टू 8 1 ज़ा 8, करेक्ट। अब ऑप्शन में पुट करेंगे इस फॉर्मूला को, तो यहाँ पर है 3, 3 को माइनस करेंगे 1 आएगा 2, 2 इंटू 4 पे प्लस 1 करेंगे 5, तो 5 2 ज़ा हो जाएगा 10। तो ये ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन में। आपके बोनस क्वेश्चन का यानी कि आपके होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। तब तक के लिए अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।